आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी फ़ोन है और उसमें आपको कैलकुलेटर एप्लीकेशन शो नहीं हो रहा है, कैलकुलेटर एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करोगे। तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखें। तो क्या होता है कि जैसे कैलकुलेटर का एप्लीकेशन एक तो हमारे फ़ोन में होता है, बट वो कभी कभी जो है सही से काम नहीं करता। अभी आप देखिए सैमसंग मेंबर का जो एप्लीकेशन है वो मेरा इस तरीके का है कि वो जो है मतलब शो नहीं होता। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक भी करता हूँ तो ये चलता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसे इंस्टॉल करने के लिए बोला जाता है। तो अब क्या प्रॉब्लम है और कैसे फिक्स होगी? तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आपने बाई चांस इसे डिसेबल कर रखा है तो इस वजह से भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैंने इसे अब इनेबल डिसेबल था, बाकी सब आपके पास दूसरा कोई डिवाइस वो शो नहीं हो रहा, तो उस केस में आप सिंपली से अपना प्ले स्टोर खोल लीजिए और यहाँ पे आपको सर्च करना है कैलकुलेटर, ठीक है। मैंने कर दिया। यहाँ पे देखिए क्विच एप्लीकेशन आ रहा है हमारे सामने। अब इस पे से डाउनलोड कौन सा करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे तो वैसे कि आपको कई सारे मिल जाते हैं, लेकिन हमें हमें जो कैलकुलेटर चाहिए वो एक वेरीफाइड हो भी होना चाहिए, मतलब काफ़ी सारे लोग भी यूज़ कर रहे हो और इसे आप जो है यूज़ कर सके। आप देखिए सैमसंग कैलकुलेटर है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा। आप एक तो इसे कर लीजिए 100 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड से, और आपके फ़ोन का ही ये है। बाकी अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा तो आपको मैं दूसरा सजेस्ट करूँगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ठीक है, ये वाला कैलकुलेटर सिर्फ 2 MB का एप्लीकेशन है और 100 करोड़ से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स भी है, और गूगल की तरफ से एक वेरीफाइड है, मतलब गूगल का ही एप्लीकेशन है। तो आप इसे जस्ट इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में और इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको ये वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।